इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कपास की खरीदी को लेकर। कपास किसानों के लिए अच्छी खबर, कपास निगम ने कपास को MSP पर खरीदने का किया वादा। कपास कीमत को लेकर तेलंगाना में गरमाया था मुद्दा। तेलंगाना के किसान MSP से कम दाम मिलने से थे परेशान। राहुल गांधी ने भी कपास की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर लिखी थी पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कपास की खरीदी को लेकर। दरअसल किसानों को कपास की उचित कीमत न मिलने से मुद्दा गरमाया हुआ था। बीते दिन राहुल गांधी ने भी कपास की कीमत को लेकर किसानों के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। इधर तेलंगाना के किसान MSP से 1500 रुपए कम दाम मिलने से परेशान थे, जिसके चलते बीते कुछ दिनों से राज्य भर में अलग अलग विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे थे। लेकिन अब कपास निगम ने किसानों को उचित ग्रेड के कच्चे कपास और प्रेशर्ड कपास MSP पर खरीदने का वादा किया है। दरअसल केंद्र सरकार भारतीय कपास निगम के जरिए देश भर के किसानों से कपास की खरीदी कर रही है। अक्टूबर से खरीद प्रक्रिया जारी है, लेकिन तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों और इलाकों में कपास में ज्यादा नमी समेत अच्छी क्वालिटी नहीं होने की बात कहकर उनकी उपज खरीदी नहीं जा रही थी, जिससे किसान नाराज चल रहे थे। लेकिन तेलंगाना में कपास किसानों ने बीते कुछ दिनों से जिला स्तर पर खरीद केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अब भारतीय कपास निगम ने तेलंगाना के किसानों से अपील की है कि वे अपने कपास को बिक्री के लिए अपने नजदीकी बाजार यार्ड में लेकर आए, उनकी उपज को MSP दाम पर खरीदा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कपास की खरीदी को लेकर। कपास किसानों के लिए अच्छी खबर, कपास निगम ने कपास को MSP पर खरीदने का किया वादा। कपास कीमत को लेकर तेलंगाना में गरमाया था मुद्दा। तेलंगाना के किसान MSP से कम दाम मिलने से थे परेशान। राहुल गांधी ने भी कपास की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर लिखी थी पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कपास की खरीदी को लेकर। दरअसल किसानों को कपास की उचित कीमत न मिलने से मुद्दा गरमाया हुआ था। बीते दिन राहुल गांधी ने भी कपास की कीमत को लेकर किसानों के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। इधर तेलंगाना के किसान MSP से 1500 रुपए कम दाम मिलने से परेशान थे, जिसके चलते बीते कुछ दिनों से राज्य भर में अलग अलग विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे थे। लेकिन अब कपास निगम ने किसानों को उचित ग्रेड के कच्चे कपास और प्रेशर्ड कपास MSP पर खरीदने का वादा किया है। दरअसल केंद्र सरकार भारतीय कपास निगम के जरिए देश भर के किसानों से कपास की खरीदी कर रही है। अक्टूबर से खरीद प्रक्रिया जारी है, लेकिन तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों और इलाकों में कपास में ज्यादा नमी समेत अच्छी क्वालिटी नहीं होने की बात कहकर उनकी उपज खरीदी नहीं जा रही थी, जिससे किसान नाराज चल रहे थे। लेकिन तेलंगाना में कपास किसानों ने बीते कुछ दिनों से जिला स्तर पर खरीद केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अब भारतीय कपास निगम ने तेलंगाना के किसानों से अपील की है कि वे अपने कपास को बिक्री के लिए अपने नजदीकी बाजार यार्ड में लेकर आए, उनकी उपज को MSP दाम पर खरीदा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।